Good morning, kids. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. आज हम पढ़ने वाले हैं कहाँ की शहर? भोपाल. भोपाल की. कहाँ की राजधानी है भोपाल? मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश. अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी है. आज सुगंधा बहुत खुश है. उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ कहाँ जा रहे हैं घूमने? भोपाल. मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए. मीनाक्षी मैडम ने बोला कि हमें कितनी बसें चाहिए? चार. राकेश सर, मुझे लगता है कि पाँच की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन राकेश सर क्या बोल रहे हैं कि हमें कितनी चाहिए? पाँच. मीनाक्षी मैडम बता रही है कि हर बस में कितनी सीटें हैं? पचास. तो राकेश सर पहले पता कर लेंगे कितने बच्चे जा रहे हैं, ठीक है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चे जा रहे हैं? हम क्या करेंगे उसके लिए? हाँ, हर क्लास के बच्चे हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे. अब देखो यहाँ पर बच्चों की संख्या है. एक में कितने बच्चे हैं? 33. दो में? 32. थ्री में? 42. फोर्थ में? 50. और फिफ्थ में? 53. अब इसका टोटल करना है. करो जरा टोटल. 3 और 2? 10. 5 और 2? 5 और 2? 7. और 7 और 3? 10. 10 का 0. अब 3 और 1? 4. 4 और 3? 7. 7 और 4? 11. 11 और 5? 16. 16 और 5? 21. ठीक है, तो कितना हो गया? 210. तो टोटल कितने हो गए? 210. तो 210 बच्चे कहाँ जा रहे हैं? घूमने के लिए जा रहे हैं. अब देखो क्या हमें चार बसों की ज़रूरत पड़ेगी? अगर हर एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं तो चार बसों में 50 × 4 कितना होगा? अब देखो हर बस में 50 सीटें हैं और उन्होंने क्या बोला, कितनी बसें चाहिए हमें? मीनाक्षी मैडम ने बोला है कि कितनी बसें चाहिए? 4. चार. तो अब क्या सारे बच्चे इसमें जा सकते हैं? अब देखते हैं 50 को 4 से गुणा करके कितना आएगा? 50 को 4 से 50 चक्कू, हाँ 200. कितना? 200. ठीक हो गया. तो कुल मिलाकर कितने बच्चे जा रहे हैं? 210 जा रहे हैं. तो अगर उन्हें चार बसें मिलती है तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे? 200. ठीक है, क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा? कितने? 10. 10 बच्चों को जगह नहीं मिल पाएगी. थोड़े से बच्चों के लिए हमें एक और बस नहीं मंगवा सकते? हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे, बच्चे बोल रहे हैं. ठीक है, तो मैडम ने तो बोला है क्या कि थोड़े से बच्चों के लिए हम एक नई बस नहीं कर सकते, क्योंकि बस में कितनी सीटें हैं? 50 सीटें हैं. तो इसका मतलब अगर हमने एक नई बस मंगा ली तो उसमें कितनी सीटें खाली रह जाएंगी? 40. वेरी गुड. कितने? 40. अगर 50 की है तो 10 ही बच्चे बैठेंगे तो 40 क्या रह जाएंगी? खाली. तब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट करके बैठ जाएंगे. ठीक है, अब देखो बसों के इंतजार. अब बसों का क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं. साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर देख रही कि बस आ रही है नहीं. अचानक वह जोर से चिल्लाई, अरे मुझे बस दिखाई दे गई है. भागो, खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो. दूसरे बच्चे भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे. ठीक है, रुको, यह क्या, बस तो बहुत छोटी है. अब क्या हुआ कि जब बसें आई, बसें पहले कितनी बसें मंगाई थी हमने? 4 मंगाई थी. लेकिन अब देखो यहाँ पर कितनी आई हैं, ये 6 बसें आई हैं. लेकिन अब इनका बसेज का साइज क्या है? छोटा. पहले तो कितने कितने सीट वाली थी? 50. लेकिन अब जो हमारे पास बस आई है वो कितने की आई है? 35 की. हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं. सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की जरूरत होगी? अब क्या करना पड़ेगा? अब हर एक बस में कितनी सीटें हैं? 35. और टोटल बच्चे कितने हैं? 210. तो एक बस में कितनी बसें चाहिए होंगी फिर हमें 210 बच्चों को बिठाने के लिए 35 सीट वाली बस में? 6. क्या किया? डिवाइड. ठीक है, 210 में किससे डिवाइड? 35 से. ठीक है, 6 जा 6, 5 जा 30 और 6 3 जा 18 और 3 21. ठीक है, तो कितनी बसें चाहिए हमें? 6. ठीक है, क्लियर है? यस सर.